बिहार चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर वोटिंग खत्म। 6 बजे तक 50% से ज्यादा हुआ मतदान। 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई बंद। मधुबनी रैली में भाषण के दौरान नीतीश कुमार पर फेंके गए प्याज। नीतीश बोले, फेंकते रहो, फर्क नहीं पड़ता। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को 10 नवंबर को पेश होने का दिया आदेश। सोशल मीडिया पर समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र के गोंदिया में अभिनेता विजयराज के खिलाफ साथी महिलाकर्मी से छेड़छाड़ का मामला दर्ज। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कल हुए थे गिरफ्तार। दिल्ली वालों को मिली बड़ी राहत। एयर क्वालिटी रिपोर्ट करने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक हवा का रुख बदलने से पराली के चलते होने वाले प्रदूषण में आई कमी। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, कोरोना मरीजों के घर के बाहर नहीं लगेंगे पोस्टर। पहचान सार्वजनिक होने से लोगों का होता है बहिष्कार। अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग जारी। अब तक 10 करोड़ अमेरिकी नागरिकों ने किया मतदान। रिकॉर्ड तोड़ मतदान की संभावना। अफ्रीकी देश माली पर फ्रांस की एयर स्ट्राइक। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय का एयर स्ट्राइक में 50 अलकायदा जिहादियों को मारने का दावा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ मुंबई जैसा आतंकी हमला। 7 की मौत, 15 जख्मी। दिल्ली में ऑस्ट्रियन दूतावास 11 नवंबर तक बंद।